टिकट में शहर के मध्य में करोड़ों रुपए में भी वो इकट्ठा में आए, वो नहीं है जमीन, कुछ नहीं है, अरबों रुपए की जमीन है। तो हमारे भाई शंकर साहब ने, और कल जैसा कि उन्होंने बताया कि कल उन्होंने स्पॉट का वेरिफिकेशन भी किया है, हम उनके शुक्रगुजार हैं, हम उनको साधुवाद देते हैं अपने ट्रस्ट की तरफ से, हमारे प्रसाद दास जी की तरफ से, कि उन्होंने कितना बढ़िया इसके बारे में सोचा है, और उसको जरूर हम जरूर प्रार्थना करेंगे। साहब यहाँ बैठे हुए, जिन्होंने हाईकोर्ट में रिट किया था कि नहीं साहब हमारे बिना परमिशन से आप कैसे ऑक्यूपाई कर लीजिएगा वो जगह, वो जैन कॉलेज की प्रॉपर्टी है, डोनर का दिया हुआ प्रॉपर्टी है, कैसे कर लेंगे हाईकोर्ट में किसी पॉइंट पर हम लूज करेंगे, लेकिन इन्होंने फिर सुप्रीम कोर्ट में रिट किया है वो तो साहब की है। सबसे पहले मैं भाई शंकर साहब के बारे में बताना चाहूंगा, इनको आप विश्वास नहीं करेंगे, एक साल से करीब है निरंतर हमारा यूनिवर्सिटी डेवलप कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, ऊंचाइयों पर जा रहा है, और इसका कंक्रीट एग्जाम्पल है कि अभी आपने देखा होगा नेक का जो हमारा मापदंड हुआ है, हमारा यूनिवर्सिटी सेकंड नंबर पर है आज के डेट में, जबकि पटना यूनिवर्सिटी अन्य कॉलेज हमारा जो है छठे नंबर पर जा चुका है। तो ये हमारे वाइस चांसलर साहब का सूझबूझ है, इन्होंने निरंतर, मैं चूंकि इनके साथ वित्त समिति में भी हूँ, सीनेट में भी काम कर रहा हूँ, इनकी सोच मैंने देखा है बहुत अच्छा था। एक महीने के अंतराल पर दो दो बार गवर्नर को बुलाना ये किसी की बस की बात नहीं किया था, इनके में कुछ क्वालिटी होगा तभी ना दिया गया। तो मैं ये इसके लिए मैं बहुत आईसी कुमार साहब ने भी बहुत बार इसके बारे में हमेशा उठाया है उसके बारे में, और वो बता दूं मैं कि बीच में उस जमीन पर कई लोग